अभी जरा दूध लेने जा रहा है। बताओ जी साथ आया हूँ, ये हमारा बालाजी मंदिर है, थोड़ा दान करेंगे आज, श्राद्ध का आखिरी दिन है। गुड जॉब पवी, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिम जा रहे हैं, फायदा तो होना चाहिए कुछ। ये हमारा हमारी रसोई है ना, ये सबसे बढ़िया ये लोग हैं भाई। देखो सुबह सुबह आ जाते हैं लोग, खाना बांटते हैं अपनी गाड़ी से। आते भी गाड़ी खोल रखे थे, डिक्की खोल रखी, जैसे वो गाड़ी पीछे खोल रखी है डिक्की खोल रखी है। यहाँ सब लोगों का प्रसाद करवा रहे, भंडारा करवाते हैं, जैसे लोग होते हैं इन सबको देते हैं। उन सब ने देखो डिस्पोजेबल अपनी ट्रेस लेकर आते हैं, अपनी प्लेट्स लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया यार, देखो यार सब अपना सामान लेकर आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है। रिसेंटली आई ब्रोक वन ऑफ द स्ट्रिंग्स गिटार की, ये लास्ट वाली, एंड थोड़ी ये भी दिक्कत कर रही है सारी स्ट्रिंग्स। मैंने केबो भी नया लिया अभी, तो यार ये ना इसमें ये पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं इसको निकालते टाइम, ये जो होते हैं। तो कोई तरीका है तो यार मुझे बताना इसको कैसे खींचते हैं बाहर, मतलब हाथ से तो आते नहीं इतने आराम से, ये तो प्लास से ही खींचा था मैंने, तो ये निशान बन जाते हैं। तो वैसे तो मैं यूट्यूब कर सकता हूँ इसको कैसे खींचना है, बट अगर कोई मेरा गिटार वाला भाई है तो प्लीज़ मुझे बताना। अदर देन दैट आई बॉट द न्यू फेंडर स्ट्रिंग्स, फेंडर में फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, आई वॉज यूजिंग ददारियो। तो इसको जल्दी से खोल के देखते हैं। तो भाई लेट्स ओपन दीज बैड बॉयज अप। इसको वैसे तो मेरे पास कैची है इधर, इसको जल्दी से खोलते हैं, देखते हैं व्हाट डू वी हैव इनसाइड। अबे ये क्या है, ओह सॉरी ये तो दूसरा पैकेट है भाई। तो मेरे स्ट्रिंग्स कहाँ हैं गाइस? भाई लोग मिल गया दूसरा पैकेट, सॉरी थोड़ा ही मैंने बास्केटबॉल की अपनी जो लेग की स्लीव्स होती है वो मंगवाई थी। ये है अपनी स्ट्रिंग्स, सॉरी सॉरी चेंज ऑफ पैकेट्स। रुको मैं दिखाता हूँ। तो भाई हेयर वी हैव हमारी न्यू, अरे एक और है तो, अरे बड़ा यार सेफ्टी सिक्योर करके भेजा है। ओके तो भाई आ गई है तुम्हारे भाई की फेंडर की स्ट्रिंग्स। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई लोग आज है हमारी 26th September एंड टुडे वॉज माई फर्स्ट एग्ज़ाम, हो गया भाई। देखो एग्ज़ाम हो गया, एक था 10 से 11:30 पहले एग्ज़ाम और दूसरा था 3 से 4:30। तो आज हमारे दो एग्ज़ाम थे, एंड ऐसा यूजुअली होता नहीं क्योंकि एवरी डे यू हैव वन एग्ज़ाम, बट इन्होंने ऐसा हमारे केस में कर दिया कि एक ही दिन दो दो एग्ज़ाम, मतलब बीच में 3 घंटे का ब्रेक एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड एग्ज़ाम। बात करते हैं भाई एग्ज़ाम की, पहला एग्ज़ाम था मशीन लर्निंग का, भाई साहब क्या क्वेश्चन थे, मैं मतलब बता रहा क्वेश्चन दे के सर के ऊपर। इतना जो बीच में गैप आ गया है ना, जो कोविड के चक्कर में वी नेवर गेव एग्जाम्स और अब प्रॉपर रिटन वाले एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत चेंजेस हैं यार। मतलब थकान हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो नवरात्रि चल रहे हैं, फास्ट भी शुरू हो गए हैं सारे, 9 के 9 में लेता हूँ। उसके अलावा यार मैं बता रहा था जिस बच्चे से पूछो, भाई इतने टाइम बाद यार लिख रहे हैं, इतने बोर हो गए, मतलब इतना डिफरेंट लगा और इतनी टेंशन हो रही थी, ये वो ये वो, मतलब मिड टर्म एग्जाम 25 नंबर के लिए हम इतने टेंस थे। और सच बताओ तो यार देखो 4 से 5 क्वेश्चन थे एंड 5 में से यार आते थे 2-3 आते थे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कभी आज तक देखे ही नहीं, तो ठीक हुआ यार। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, मतलब ये थोड़ा तो जो मशीन लर्निंग था वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पेपर था, जिसमें हमारा सारा एंट्रोपी, इन्फोगेन, गिनी इंडेक्स, अगर कोई एनालिटिकल या मशीन लर्निंग वाला बंदा वो जान जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सब से रिलेटेड था। ऑन दी अदर हैंड मेरा था मार्केटिंग एनालिटिक्स का पेपर, भाई साहब जो सर ने पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया, 5 क्वेश्चन थे, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन, उसमें भाई जो सर ने पढ़ाया एक क्वेश्चन नहीं आया। 2 वेरी यू नो जनरल क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका अगर आपको सर पैर ही नहीं पता आप कर ही नहीं सकते। तो भाई वैसे 2-3 क्वेश्चन थे, जिसकी शक्ल देखो उस बंदे की शक्ल उतरी हुई, चाहे वो
मेरे आगे जो बैठा है वो या जो मेरे पीछे बैठा है वो, मतलब इतनी टेंशन। अभी इट्स ऑलमोस्ट 6, हम आधा घंटा रुक गए थे कॉलेज में, डिस्कशन जो होते हैं उसके बाद निकल गए यार। 6:15 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद यार क्या प्लान है, उसके बाद 1-1.5 घंटा सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, व्रत व्रुत खोलते हैं, उसके बाद वील बी सेटिंग एट अराउंड 8:30 PM टू स्टडी। एंड देन देखो यार जैसा भी होता है, कल सुबह 10 बजे एग्जाम है, तो कल मेरा एक एग्जाम है, तो होपफुली अच्छा जाए यार। आज के 2 एग्जाम से ना भाई समझ आ गया लेवल क्या है, और आपने जो बीच में सारी आपकी प्रैक्टिस छूटी थी रिटन की सबकी, यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो अभी जल्दी से घर चलो, मैं तुम्हें जस्ट अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था। तो भाई जैसे तुम्हारा भाई घर आया, एक और खुशी की चीज़ आई है, वो है ये, और इसकी डायमेंशन वाइमेंशन देख के तुम समझ गए होगे इसमें क्या है, जो तुम्हारे भाई की फेवरेट चीज़ है। जल्दी से उसको खोलते, कपड़े वपड़े पहले बदल लूँ, फिर उसको खोलता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली इसका ओपनिंग का टाइम आ गया, तुम्हारा भाई पूरा थक चुका है, बट पहले इसको खोलेंगे यार। तो भाई मेरा भाई हु इज बिहाइंड द कैमरा फॉर मी, इसने मेरे लिए लिया है ऑर्डर, तो फिर सबसे बड़ा श्रेय इसको जाता है। थैंक यू भाई, पैसे नहीं दिए हैं, ऑर्डर लिया है। हाँ मतलब भाई पैसे नहीं दूंगा। तो ये कैसा बैग है भाई? ओ भाई साहब, ये ऑरेंज वाले बंद हो गएगा, ये रिसाइकिल वाले का, बट बढ़िया लग रहा है। अरे जीरो कार्बन एंड जीरो वेस्ट जो है भाई, मैं पहले तो ऑरेंज वाले डब्बे आते थे देखा भाई। तो भाई चलो अभी पेपर है, तुम देखो पहले, मैं बाद में देखूंगा। हियर आर दी, दिख गए? दिख गए लो, लुक्स नाइस। सो हियर वी हैव द मर्क्यूरियल वेपर, ये वेपर 15 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बारे में तुम्हें डब्बे में दिखा देता हूँ। आई थिंक मर्क्यूरियल वेपर 15 है इनका नाम, 15 है, हाँ वेपर 15 है। हाँ भाई पवी दिख रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं भाई, कैसे लग रहे हैं भाई? बढ़िया है सच बता, तो भाई बिल्कुल बढ़िया फिटिंग आ रही है। तो यार इट्स करेंटली 9 PM राइट नाउ, मतलब अगले दिन की रात, और आज एग्जाम हो गया, आज मेरा एग्जाम था BDA का, विच इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसमें हडूप जो हमारा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है उसके एग्जाम था, बेसिकली वो एक पार्ट था। तो यार एग्जाम तो सही गया आज का, एंड वही 5 से 6 क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा था, जिसमें यू नो यू हैव दोज सपोर्ट कॉन्फिडेंस लिफ्ट, तो ए प्रायरी या फिर के मीन्स क्लस्टरिंग, इन सब के एग्ज़ाम था आज। तो हो गया यार जैसा होना था, अच्छा हुआ, कल के दोनों से तो बेटर हुआ, और मज़ा आया यार, मज़ा आ रहा है, मतलब अब ना 1-2 एग्ज़ाम दे देना मज़े से आ रहे हैं। कल वाले भी अच्छे गए थे, अच्छे क्या गए थे, कल वाले वेंट फाइन, बट आज का उससे बेटर हुआ। एंड अभी मैं सारे एग्ज़ाम्स कवर करवाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब ना रिकॉर्ड भी करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और तुम लोगों को भी बताऊँ। तो यही था, और वीडियो को इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो यार अभी तक यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करे मेरा मत जाना, टर्न ऑन दोस पोस्ट नोटिफिकेशन, वील गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट ए वीडियो। एंड यस, वील सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।